हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों लास्ट वीडियो में हमने पेज नंबर 6 तक पूरा कंप्लीट कर लिया था। वर्ड प्रॉब्लम्स भी कर ली थी, है ना, सारी चीजें कंप्लीट कर ली थी। अब जो अपना नेक्स्ट 2 यूनिट है, इसमें हम अबेकस से विजिट सीखेंगे। इसका नेम है नंबर्स एंड नंबर नेम्स। ठीक है, तो सभी बच्चे पहले तो बुक में समझेंगे, फिर हम बोर्ड पर भी इसको करवाएंगे, तो आप लोग अच्छे से इसको समझेंगे। सभी बच्चे बुक्स ओपन कर लीजिए और बुक्स पे पेज नंबर 7 पर हम रीडिंग करें। तो बच्चों देखिए, ये आपकी 2 यूनिट हैं, नंबर एंड नंबर नेम्स। तो वी हैव लर्नड नंबर 1, 2, 3, 4 एक्सेट्रा, है ना। नंबर्स ऐसे तो होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इससे लिखते जाते हैं हम नंबर्स। इन प्रीवियस क्लास विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग थिंग्स। प्रीवियस जो क्लास थी आपकी UKG फर्स्ट, है ना, इसमें क्या था, जो डिजिट थी उसको क्या बोलते थे, काउंटिंग, है ना, क्या बोलते थे, काउंटिंग। दीज नंबर आर कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। तो जो नंबर्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या तो काउंटिंग नंबर कहलाते हैं या नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। वैन ज़ीरो इज इंक्लूडेड टुगेदर विद द नेचुरल नंबर वी गेट अ सेट ऑफ होल नंबर्स। जब भी हम जो जीरो है इसको इंक्लूड कर देते हैं नेचुरल नंबर में, जो काउंटिंग होती है उसमें, तो क्या होता है, अब हमारा जो है होल नंबर हमें मिल जाता है। ये देखिए, जैसे इस तरह से लिखा हुआ है, 0 के बाद 1, 2, 3, 4, है ना। दीज नंबर्स आर होल नंबर, ये पूरे नंबर कहलाते हैं। प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू क्या होता है, प्लेस वैल्यू डिस्क्राइब्स द मीनिंग ऑफ ईच डिजिट इन आर नंबर्स। प्लेस वैल्यू जो है वो ये डिस्क्राइब करती है कि कौन सी डिजिट है, वो कौन से प्लेस पर है। इन चेंजेस विद द चेंज इन टू द पोजिशन ऑफ अ डिजिट इन अ नंबर से 355। अगर हम इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे तो क्या होगा, नंबर की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। जैसे ये देखिए, यहाँ पर आपको 355 दिया हुआ है, 355 लिख दिया, तो आपको पता है कि फर्स्ट जो डिजिट होती है वो क्या कहलाती है, वंस कहलाती है। सेकंड जो डिजिट होती है वो क्या कहलाती है, टेंस कहलाती है। और थर्ड जो डिजिट होती है वो क्या कहलाती है, हंड्रेड कहलाती है ना। तो फर्स्ट डिजिट को हम क्या बोलते हैं, वंस, सेकंड डिजिट को बोलते हैं टेंस, और थर्ड डिजिट को हम बोलते हैं हंड्रेड। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, 5 का मल्टीप्लाई हमने 1 में किया, हेयर डिजिट 5 स्टैंड फॉर 5 वंस, है ना। 5 क्या है, वंस है। सेकंड डिजिट जो है 5 × 10, हेयर डिजिट 5 स्टैंड फॉर 5 टेंस। और थर्ड डिजिट जो है वो 100 से मल्टीप्लाई की, तो हेयर डिजिट 3 स्टैंड फॉर 300s। ठीक है ना, जितनी डिजिट बढ़ती जाएगी उतने ही जीरोस बढ़ते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देखिए, 3 के पहले कितनी डिजिट है, 1, ये है 1, ये है, कितने जीरोस हो गए, 2, 1, ये 1, ये, तो यहाँ पर देखिए 2 जीरोस हैं। और 5 के पहले कितनी डिजिट है, एक डिजिट है जो कि 5 है, तो कितने जीरो लग गए, 1, 0। ये इजी लैंग्वेज में मैं बता रही हूँ आपको, है ना। तो जितनी डिजिट होती है उसके बाद जितनी भी डिजिट है उतने ही हमें जीरोस लगाने पड़ते हैं प्लेस वैल्यू में। वी कैन राइट नंबर इन 3 वेज, हम 3 तरीकों से नंबर्स को लिख सकते हैं, है ना। सबसे पहला जो है वो क्या है, इन फिगर्स। तो फिगर्स मीन्स क्या होता है, नंबर्स में हमें लिखना होता है, ठीक है, काउंटिंग जो कि हम बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है 435, क्या दिया गया है, 435। अब इनको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे,
है ना। कुछ बच्चे तो वर्ड्स में समझते हैं, कुछ बच्चे नंबर नेम्स में समझते हैं। तो आपको वर्ड्स और नंबर नेम्स दोनों को याद रखना है कि जब वर्ड्स पूछा जाए या नंबर नेम पूछा जाए तो हमें क्या करना है, उसका नंबर नेम ही लिखना है। तो हम 435 को कैसे लिखेंगे, FOUR 400 की स्पेलिंग लिखेंगे, 30 की लिखेंगे और 5 लिखेंगे, 435। अब यहाँ पर देखिए थर्ड जो वेज है, थर्ड जो तरीका है वो जो कैसे लिखा है, एक्सपेंडेड करके लिखा है। इसको हम एक्सपेंडेड भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया था जो 100 की डिजिट है उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से, और जो 10th डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जो फर्स्ट डिजिट है 1 उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आपका ये आंसर आ जाएगा 435, है ना। वंस को 1 से मल्टीप्लाई, 10 को 10 से मल्टीप्लाई, 100 को 100 से मल्टीप्लाई। डू यू नो फ्रॉम 0 to 9 देयर आर 101 डिजिट नंबर्स। फ्रॉम 0 to 9 देयर आर 101 डिजिट नंबर्स। फ्रॉम 10 to 99 देयर आर 92 डिजिट नंबर्स। फ्रॉम 100 to 999 देयर आर 903 डिजिट नंबर। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ नंबर इज कॉल्ड न्यूमरल। ओके, 1 डिजिट नंबर 0 to 9, है ना। 2 डिजिट नंबर 10 to 99, और 3 डिजिट नंबर 100 to 999। ठीक है, यहाँ पर देखिए वी हैव लर्न नंबर्स अप 999, वी कैन ऑब्टेन द नंबर्स 1000 बाय एडिंग 1 to 999 इन द फॉलोइंग वेज। तो यहाँ पर आपको 900 के देखिए ब्लॉक्स बने हुए हैं, है ना। यहाँ पे 999 में अगर आप 1 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 1000 बन जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए ये ब्लॉक्स बने हैं वो सब किसके बने, 100 के ब्लॉक्स बने हैं, और यहाँ पर 10 के, और यहाँ पर 1199 के बने हैं। तो 999, है ना। इसी तरह से देखिए यहाँ पर भी 999, है ना। तो 9 जो है वो 10s है, 9 जो है 1s है, 1s में इसमें ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 1000 बन जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 990 टेंस दिया है, 1 टेंस दिया है ना, तो यहाँ पर देखिए तो 1000 बन गया है 1000 में, है ना। तो यहाँ पर दिस इज द 1000 आ गया। आप देखिए यहाँ पर वंस क्या है 0, टेंस क्या है 0, 100 क्या है 0, और 1000 में क्या है, वंस 1 है। तो द नंबर बियॉन्ड 1000 आर फॉर्मेड एक्चुअली इन द सेम वेज। लेट अस सी हाउ वी राइट एंड रीड दिस नंबर्स। तो यहाँ पर देखिए न्यूमेरल लिखा हुआ है, 1000 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 1001। यहाँ देखिए ये लिखा हुआ ना, वी रीड 1001, 1000 में प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1002 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 में हम प्लस 1 करेंगे कितना हो जाएगा, 3, तो 1003। इसी तरह से 1009 में हम प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1010। ये देखिए लिखा है 1010। तो आपको ये पढ़ना और लिखना दोनों आना चाहिए। 10029, इसमें हम प्लस 1 करेंगे, यहाँ का आपको कुछ नहीं करना है, बस पीछे वाली डिजिट में आपको ऐड करते जाना है। इसको 9 में हम 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 10।
जीरो है ना, जीरो की वन कैरी जाएगी, यहाँ पे कितना हो जाएगा, टू का थ्री बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा टेन, सॉरी 1030। ये देखिए लिखा है 1030। 1050 में हम वन ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1051। 1051 ठीक है। 100 1199 में जब हम प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200। इसको 1200 भी बोल सकते हैं और 1200 भी बोल सकते हैं ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 1051 हो जाएगा है ना। पेज टर्न करिए, पेज नंबर 10 पर देखिए, यहाँ पर और भी आगे दिया हुआ है 999 में हम जब प्लस वन करेंगे तो कितना हो जाएगा 3000। 999 में जब प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5000। 8999 में जब प्लस करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा 9000। 9998 में प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 9999 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4-डिजिट नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है 9999। 4-डिजिट नंबर ऑन अबेकस, तो यहाँ पर 4-डिजिट नंबर ऑफ अबेकस दिया हुआ है। वी कैन ऑल्सो शो द नंबर ऑन स्पाइक अबेकस, ये अबेकस कहलाता है, बीड्स डली हुई ना, ये अबेकस कहलाता है। टू प्रेस रिप्रेजेंट 4-डिजिट नंबर वी नीड एन अबेकस विथ 4 स्पाइक। जब हम 400 का करेंगे, 4-डिजिट का करेंगे अबेकस में, तो हमें कितनी स्पाइक चाहिए होगी, कितनी लाइन चाहिए होगी, 4 लाइन है ना। 1 बीट इन 1000 स्पाइक एंड 0 बीट इन अदर्स मीन्स अबेकस हैव शोन द नंबर ऑफ 1000। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो 1000 वाली जो स्पाइक है, लाइन है, उस पर एक बीट डला है और किसी पर भी बीट नहीं है, मतलब कि और सब क्या है, 0-0 है, इसमें किसी में भी नहीं है, और ये क्या है 1 है, तो इसका मतलब 1 बीट डली है, तो वो इसका मतलब 1 हुआ, तो 1000 कितना हो गया 1000। इसी तरह से यहाँ पर देखिए 2 बीट्स डली हुई हैं है ना, और किसी में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब क्या है 000, तो 2000 कितना हो गया 2000। इसी तरह से इसमें देखिए 3 है, 3000 कितना हो गया 3000। 4 बीट्स है, उसके बाद कुछ भी नहीं है, तो 4000 ये देखिए 4000 कितना हो गया 4000। इसी तरह से यहाँ 5 है तो 5000, 6 है 6000, 7 है 7000 है ना। ये आपको इसको पढ़ना आना चाहिए। और यहाँ पर देखिए कितनी बीट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 है 8000 8000। यहाँ पर देखिए 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9000 9000। यहाँ पर देखिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9999, तो कितना हो गया 9999, 4-डिजिट नंबर है ना, ये आपकी कितनी हो गई। अब यहाँ पर आपको क्या लिखना है, नंबर इन डिजिट लिखना है, नंबर इन डिजिट, या नंबर इज क्या हो सकता है फिगर, तो जब आप फिगर या डिजिट सुनेंगे तो आपको यहाँ पर काउंटिंग इसकी लिखनी है। तो देखिए क्या लिखा है, 3072, तो यहाँ पर आप लिखेंगे 3000 का 0 72। 4 सेकंड देखिए, 4200,
4,200, 5,310, 5,310, 7,175, 7,175, 6,233, 6,233, 2,425, 2,425, 5,442, 5,442. इस तरह से आपको इसको पढ़ते जाना है और लिखते जाना है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, अबेकस है, तो अबेकस में आपको क्या करना है, जितनी डिजिट लिखी है उतनी ही लाइंस इस स्पाइक में बनानी है। जैसे कि देखिए सबसे पहले स्टार्टिंग किससे होगी, वंस से, तो वंस में स्पाइक में कितने हैं, वन है, तो यहाँ पर देखिए वन बीट बनाया हुआ है। सेकंड टेंस, टेंस में कितने हैं, टू, तो टू बीट्स बनानी है टेंस में। थर्ड देखिए, थर्ड में हंड्रेड में कितनी है, थ्री है, तो यहाँ पर थ्री स्पाइक बनानी है, वो सॉरी बीट्स बनानी है। ऐसे ही यहाँ पर क्या है, फाइव है, तो यहाँ पर फाइव बीट्स बनानी है, बीट्स मतलब मोतियाँ, वन टू थ्री फोर फाइव। तो यहाँ पर मैंने इसको करके रखा है, आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। सभी बच्चे इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे पेज नंबर 11 तक, ठीक है ना। जो डिजिट लिखी हुई है उतनी ही डिजिट की आपको यहाँ पर बीट्स बनानी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फोर है वंस में, तो फोर बनाई, फाइव है तो फाइव बनाई, अब यहाँ पर जीरो दिया है तो जीरो का मतलब कुछ नहीं बनाना है इसमें। इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये डिजिट आप कंप्लीट कर लेंगे और यहाँ पर ये बीट्स अबेकस का कंप्लीट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।